नगर पालिका परिषद कुम्हारी की सामान्य सभा की बैठक पालिका के सभागार में पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 19 प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। लगभग 5.5 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों, सौंदर्यीकरण, भवन मरम्मत, निर्माण कार्य, RCC नाली मरम्मत, सड़क नवीनीकरण, उद्यान निर्माण, जल पाइपलाइन विस्तारीकरण, मुक्ति धाम निर्माण, भवन एवं मंच निर्माण, तालाब गहरीकरण जैसे कार्य विभिन्न वार्डों में करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। तब कहीं जा गया तो वहां पाइपलाइन के विस्तारीकरण हुई, नल के वहां किसी भी कट्टर का कनेक्शन नहीं। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे थे? 19 एजेंडा रही है, उसमें पूर्ण रूप से चर्चा विशेष रही से रामपुर चौराहा मुक्ति धाम के मामला रही है और परसदा रामपुर में गार्डन के मामला रही है और विकास कार्य विभिन्न विकास कार्य रही है, उसमें सब चर्चा हुई है, सब एजेंडा सर्वसम्मति से पास हुई। मगर कुछ एजेंडा रही से जो जमीन आदान प्रदान वाला मामला रही है, उसमें टीम गठित करके जगह चयनित करके देख बारे में चर्चा हुई। ये बैठक नगर पालिका परिषद कुम्हारी में रखी गई थी, कुल जिसमें कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। चर्चा पश्चात जितने भी राजस्व प्रकरण थे जिसमें था, उन प्रकरणों को छोड़कर समस्त को सर्वसम्मति से पारित किया गया। राजस्व प्रकरण हेतु टीम के गठन करने और उसको आगामी परिषद में पुनः रखने की बात की। सर 19 एजेंडा में महत्वपूर्ण विकास संबंधी कार्यों को लेकर था और जिसमें वार्ड क्रमांक 17, वार्ड क्रमांक 16 और पालिका क्षेत्र अंतर्गत कई पार्क थे, सामुदायिक पार्क हैं और CC रोड नाली मरम्मत संधान कार्य भी थे, उन सभी को इसमें रखा गया था और सभी को सर्वसम्मति से पारित किया गया।